सभी को नमस्ते। तो हम लोग इस पूरे मानव के ज्ञान और अस्तित्व के ज्ञान के साथ मानव की भागीदारी क्या होगी उस पर चर्चा कर रहे थे। तो दिखता है कि मानव की भागीदारी यही है कि स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित करे, जिसके आधार पर स्वयं में समाधान सुनिश्चित कर पाए, जिसके आधार पर अखंड समाज में भागीदार हो पाए, जिसके आधार पर मानवीय व्यवस्था में भागीदार हो पाए, यही कुल मानव के करने योग्य है। मूल में देखें तो ज्ञान है, ज्ञान से ही समाधान है। अगर हम ज्ञान पे केंद्रित न हो, ज्ञान को आधार में न रखें, तो फिर हम समाधान के बजाय समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत सारे उपाय बनाने लगते हैं। तात्कालिक रूप से किन समस्याओं से हमें राहत मिल भी जाती है, परंतु उससे कोई स्थायी समाधान, स्थायी जीने का ढंग निकल कर आता नहीं। और इस तरह से हम करते हुए अल्टीमेटली समाज को खंडित ही कर पाते हैं, अखंड समाज के आधार नहीं बन पाते हैं। तो हमको एक बात ये दिखाई दे कि समाधान के आधार में ज्ञान है, और ज्ञान के लिए चिंतन, बोध, अनुभव, इन क्रियाओं को स्वयं में जागृत करना है। तो संबंध का चिंतन सुनिश्चित करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, सहअस्तित्व का अनुभव सुनिश्चित करना है, यही ज्ञान है। और ज्ञान से ही समाधान है। ये बात हमको अगर दिखाई दे, जब भी हम कोई समस्या में होते हैं तो हम उसको जोड़कर देख पाते हैं कि कैसे ये ज्ञान से समाधानित होता है, न कि हम कुछ तात्कालिक उपायों में रोक कर उसके समस्या के निराकरण के लिए काम कर रहे होते हैं। अभी आमतौर पर क्या होता है कि हम समस्याओं के निराकरण में बहुत सारा समय लगाते हैं और जो मूल बात है वो हमसे छूट जाती है। तो क्या ये बात हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्टीमेटली सारी समस्याओं के समाधान के मूल में ज्ञान है? अगर हम ज्ञान को सुनिश्चित ना करें तो जो भी हम उपाय निकालेंगे उससे कोई संपूर्णता में समाधान नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं में संयम का भाव सुनिश्चित करना, यह ज्ञान हुआ। एक बार ये होता है तो फिर हमें दिखाई देता है कि शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, उसके लिए कैसे हमें आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, औषधि चिकित्सा की किस प्रकार व्यवस्था करनी है ताकि स्वास्थ्य बना रहे। तो मूल में देखें तो संयम का भाव है, इसके साथ ये सारा हम योजना कार्यक्रम का को निर्धारण कर पाते हैं, तय कर पाते हैं। उसके साथ जब कोई समस्या आती है तो उसका हम तात्कालिक रूप से कुछ निराकरण कर पाते हैं, परंतु हमको दिखाई देता है कि संयम के भाव के साथ ही स्वास्थ्य बना रहेगा। तो संयम केंद्र में है, उसके साथ स्वास्थ्य के लिए समाधान निकल कर आता है, और फिर कोई अगर समस्या निकल कर आती है तो उसका हम उपाय देख पाते हैं और उसको हम पूरा भी कर पाते हैं। अगर ये चीज ना देख पाए तो फिर हम उसमें लगे रह जाते हैं। फिर यदि समाज तक अगर जाएं तो हमको ये बात दिखाई देती है कि अल्टीमेटली समाज का हर व्यक्ति कैसे स्वस्थ होगा। तो समाज के हर व्यक्ति के स्वस्थ होने के लिए हर व्यक्ति में संयम का भाव सुनिश्चित होना एक मौलिक आवश्यकता है। तो जब हम समाज में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे तो संयम के भाव को सुनिश्चित करने का काम करेंगे, उसके साथ योजनाओं पे, कार्यक्रमों पे काम करेंगे, न कि सिंपली हम रोगों को केंद्र में रखकर उनके निराकरण के लिए काम करेंगे। और फिर हम व्यवस्था के लिए भी भागीदार हो पाएंगे, इस तरह की व्यवस्था पूरी प्रकृति में बनी रहे ताकि मनुष्य स्वस्थ होकर जीता रहे। और हमें यह भी दिखाई देता है कि अल्टीमेटली जो शरीर है वो मैं का साधन है, तो स्वास्थ्य का भी एक निश्चित प्रयोजन है कि मैं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो जाए। तो शरीर में स्वास्थ्य होना अपने आप में परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य को देखें तो मैं का विकास, चैतन्य का विकास है। इस तरह से हमें अपनी भागीदारी जीने के हर क्षण में, हर स्तर पर दिखाई देता है। जी, इतनी बात ठीक है? तो मूल में ज्ञान है, ये बात हमको दिखाई दे, इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो किन्हीं का तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो मनुष्य के लिए जो कुल करने का काम है वो इतना ही है कि स्वयं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित कर पाए, जिससे हम परस्परता में निर्वाह करते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में अपनी निश्चित भागीदारी स्वीकार कर पाए, उसको सुनिश्चित कर पाए। जी, अगर इतनी बात स्पष्ट है तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मानव की भागीदारी देखें अस्तित्व में किस प्रकार से है।
तो सहस्तित्व को समझना यानी सहस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित करना और सहस्तित्व पूर्वक जीना, यही कुल करने काम। सहस्तित्व को समझने के क्रम में ही हम लोगों ने विस्तार पूर्वक मॉड्यूल 4 में शून्य पे चर्चा की, संपीड़ितता पे चर्चा की, प्रकृति की चार अवस्थाओं पे चर्चा की और इस बात को देखा कि कैसे सहस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है, कैसे इस पूरी प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, जो निश्चित भागीदारी बनी हुई है, निश्चित अनुसंगीयता बनी हुई है, वो सब सहस्तित्व के प्रकटन के रूप में ही है। इस बात को ही हम लोगों ने सूचना के रूप में लिया, उसे विचार किया, इसका विश्लेषण किया, कल्पनाशीलता में इसको स्थापित किया। अब इसको जांच कर देखना भी है, उसके लिए स्वयं पे ध्यान देना है, उसके लिए सहस्तित्व पे ध्यान देना है, शून्य पे ध्यान देना है। तो ज्ञान में देखें तो तीन ही मुद्दे हैं, मानव का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए और अस्तित्व में मानव की भागीदारी का ज्ञान हो जाए। तो मॉड्यूल 3 में हमने मानव के ज्ञान को लेकर विस्तार से चर्चा की, मॉड्यूल 4 में हमने अस्तित्व के ज्ञान को लेकर विस्तार से चर्चा की, अब आगे हम भागीदारी के ज्ञान को लेकर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मूल रूप से भागीदारी इतनी है कि हमारे में ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, उसके आधार पर समाधान सुनिश्चित हो जाए, उसके आधार पर हमारा जीना वैसा हो जाए और उसको ठीक से स्पष्ट करें तो सहस्तित्व का अनुभव हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, संबंध यानी भागीदारी यानी स्वभाव का चिंतन हो जाए। इस बात को हम स्वयं में देख पा रहे हैं क्या कि हम सबकी यही भागीदारी है, यही कुल करने वाला काम है। हम अपनी दिनचर्या में इस बात को सुनिश्चित करेंगे, हम देखेंगे कि दिनचर्या में हमने कितना समय ज्ञान के लगाया, सहस्तित्व पूर्वक जीने के लगाया, कितना समय अन्यथा लग गया और जो अन्यथा लग गया वो क्यों लग गया, उसके मूल में क्या मान्यताएं हैं, क्या परतंत्रता है, उसका भी विश्लेषण करेंगे, जांच परख करेंगे। तो एक अच्छी उपलब्धि की बात यह है कि जितना जितना ये पूरा प्रस्ताव हमारे ध्यान में आता है, हमारे जीने के केंद्र में शिफ्टिंग होने लगती है। तो जीने के केंद्र में धीरे धीरे ज्ञान सुनिश्चित होने लगता है, जहाँ जीने के केंद्र में पहले सुविधा रही होगी, संवेदना रही होगी, कुछ मान्यताओं को पूरा करने का लक्ष्य रहा होगा, अब उससे शिफ्ट होकर हम ज्ञान को केंद्र में ले आते हैं। इससे जो हमारी कल्पनाशीलता में बहुत सारी भगदड़ है, उलझन है, फैलाव है, अन्यथा जो फैलाव हमने बना रखा है ना, रिलेशनशिप के निर्वाह में हमने बहुत सारा उल्टा पुल्टा अपनी तरफ से जोड़ रखा है, जीने के लिए अपने लिए बहुत सारा अनावश्यक कार्यक्रम बना रखा था, बच्चों को लेकर हमने बहुत सारा अनावश्यक विचार कर रखे थे, बहुत सारा भय अपने अंदर पाला हुआ था, अस्तित्व को लेकर, व्यवस्था को लेकर, संबंध को लेकर, उन सब से हम निकल पाते हैं। तो ये केंद्र में आ जाए, हमारे जीने के केंद्र में ये आ जाए कि अल्टीमेटली मेरे लिए जो करने काम है तो अस्तित्व का ज्ञान है, अस्तित्व पूर्वक जीना है ना, और ये काम मुझ में मेरे द्वारा ही होने वाला है। मुझ में जो समस्या है वो मेरे ही ज्ञान के अभाव में है, बाहर के कारण नहीं। बाहर घटनाएं हो रही हैं, लोग अपने अपने जो भी स्थिति है उनकी मानने की उसके अनुसार जी रहे हैं, प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, उसके बाद घटनाएं हो रही हैं। बट यदि मैं दुखी परेशान हो रहा हूँ स्वयं में, उसका कारण यह है कि मुझ में ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ है। और इस दिशा में जितना अग्रसर होते हैं उतना अपने आप में आराम पाते हैं, उतना हमारी कल्पनाशीलता में निश्चितता आती है, स्थिरता आती है, तृप्ति होती है, उतना संबंधों में हमको सुख का आधार दिखाई देता है। अभी हम संबंधों में जी रहे होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और हमें ये निश्चित नहीं हो पाता कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है। थोड़ा विश्लेषण करते हैं दिखता है कि हाँ मेरे मानने में भी कुछ चूक है, अगले मानने में भी चूक है और हमें लगता है भाई अगले को कब तक ट्रांसफॉर्म करेंगे, अगला तो ट्रांसफॉर्म होने वाला है नहीं, खुद को भी ट्रांसफॉर्म करना एक मुश्किल सा काम लगता है। तो अल्टीमेटली संबंधों में जीते हुए हम संबंधों को झेल रहे होते हैं, संबंधों में दुख भोग रहे होते हैं और जब ज्ञान पे आरोपित होते हैं तो हमको संबंधों में सुख का आधार भी दिखाई देता है। जितना जितना हम इस कार्यक्रम को स्वयं सुनिश्चित कर पाते हैं उतना उतना हमारा स्वयं में विश्वास बनता जाता है और हमें संबंध का फैलाव भी दिखता है। वही 4-6 लोगों के साथ जीने में सुख सुनिश्चित कर पाए,
अभी हमने इसको हो सकता है जीने का लक्ष्य बना लिया होगा, उसके साथ अब फैल पाते हैं कि नहीं, तो पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। अखंड समाज में भागीदारी सुनिश्चित कर पाना, अखंड समाज में अपनी निश्चित भागीदारी को देख पाना, ऐसी सार्वभौम व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाना, उसको देख पाना। तो हम जो भी अपने लाइफ में प्लानिंग करेंगे फिर इस दृष्टि के साथ करेंगे। अगर हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है तो इस दृष्टि के साथ करेंगे। अपने लिए कोई सुविधा जुटानी है, इस दृष्टि के साथ करेंगे। अपने भविष्य के लिए कोई योजना बनानी है, दृष्टि के साथ करेंगे। नेट आउटकम ये है। एक अच्छी बात तो ये है कि सुबह से उठकर हम लोग 1 घंटा लगाकर समय अपने जीने के केंद्र को ठीक से और देख पाते हैं। तो सुबह सुबह अगर अपने को जीने का केंद्र दिखाई दे जाए तो दिन भर का कार्यक्रम उसी के इर्द गिर्द ही रहेगा, भटकेगा नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, ये जो भटकाव है वो कम होगा अगर हमको हर सुबह अपने जीने का केंद्र दिखाई दे जाए कि जीने का है ना पर्पज क्या है, उपलब्धि क्या है। अपना मूल्यांकन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे कि हम जीने में कितने सफल हुए कितने असफल हुए, क्योंकि दिन भर के कार्यक्रम में हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। कोई प्रमोशन का इशू है, किसी के हेल्थ का इशू है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है ना, कोई परिवार में कोई मनमानी हो रही है, तो ये 10 तरह की चीजों में उलझ जाते हैं दिन भर में। बट सुबह सुबह अगर ये जीने का केंद्र ध्यान में आ जाए तो हमारे जीने का एक निश्चित कार्यक्रम बना रहता है। हम लौट लौट कर इस आधार पर चीजों को मूल्यांकित करते हैं, लौट लौट कर इसी आधार पर हम योजना कार्यक्रम बना पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ अब हम लोग ने जो अभ्यास 1 में अभ्यास किए थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमें ध्यान हो कि अभ्यास 1 में हम लोगों ने स्टेप 1 टू स्टेप 7 में किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया था। तो 6A में हमने ये देखना शुरू किया था कि हमें कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार होता है, अस्तित्व का भाव, व्यवस्था का भाव, संबंध का भाव या इससे अन्यथा। स्टेप 5 में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि यदि मैं अपनी दुख का समस्याओं का कारण स्वयं हूँ, निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, इसका मतलब कि मुझे समझने की आवश्यकता है। तो क्या समझना है उसके निर्णय करने गए, फिर अपने आप से पूछा कि मुझे सहज रूप से स्वीकार क्या होता है, संबंध का भाव या व्यवस्था का भाव, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, अस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव, उसको अपने आप से पूछा। स्टेप 6B में फिर उसको हम स्वयं में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे में संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, अस्तित्व का अनुभव हो जाए, इस निर्णय को हम ले पाते हैं। स्टेप 7 में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस क्षण में मेरे अंदर संबंध का भाव है, इस क्षण में मेरे अंदर व्यवस्था का भाव है, इस क्षण में मेरे अंदर अस्तित्व का भाव है। और 7B में फिर हम उसकी निरंतरता पे काम कर रहे हैं कि हर क्षण ऐसा ही रहे। तो एक तरह से देखें तो अभ्यास 1 और 2 से हम जो स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम निर्णय की बात कर रहे हैं है ना, अभ्यास 1 के स्टेप 7 में बात कर रहे हैं, अभ्यास 2 के स्टेप 6 में बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम अपनी भागीदारी को पूरे अस्तित्व में देखने का प्रयास कर रहे हैं और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे पूरे अस्तित्व अपनी भागीदारी दिख जाए। उसके लिए जरूरी है कि मुझे अस्तित्व दिख जाए, उसके लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को देख पाऊँ, उसके लिए जरूरी है कि मेरे जीने में इसकी प्रायोरिटी बन जाए। तो स्वयं में सही समझ इंश्योर करना, सही भाव सुनिश्चित करना, सही विचार सुनिश्चित करना, उसका मतलब यही हुआ कि अस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित करना, अस्तित्व का भाव सुनिश्चित करना, अस्तित्व का विचार सुनिश्चित करना, व्यवस्था का ज्ञान सुनिश्चित करना, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित करना, व्यवस्था का विचार सुनिश्चित करना, वैसे संबंध का ज्ञान सुनिश्चित करना, संबंध का भाव सुनिश्चित करना, संबंध का विचार सुनिश्चित करना। जी, आपको दिखेगा कि एक बार हमारे में ये परिमार्जन शुरू होता है और इसका जो सुख दिखाई देता है हमें, तो स्वयं में तृप्ति मिलती है, स्वयं में शांति सुनिश्चित होती है, स्वयं में संतोष का भाव बनता है। ये जो अभी हम सामयिकता में जीने में लगे हैं,
सामयिक रूप से एक सुख पूरा करके सुखियों में लगे हैं, बाहर जो सुख ढूंढ रहे हैं उसका उसकी क्षणिकता उसकी अनुपयोगिता भी दिखाई देने लगती है। तो अभ्यास एक के स्टेप 6 और 7 में हम लोगों ने मुद्दों पर ध्यान दिया था, आपको ध्यान भी होगा। जो लोग पिछले अभ्यास से जुड़े हैं उसके पहले भी जुड़े हैं, हमने अभ्यास 1 और 2 पे विस्तार से काम किया था। UHV 3 के इस भाग में हम लोगों ने थोड़ा संक्षेप में लिया, परंतु उसके पूरे बैकग्राउंड को, उसके पूरे एक्सपेंस को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। तो जो हर बार बात हो रही कि एक बार प्रस्ताव पे पूरा ध्यान चला जाए, हमारा कल्पनाशीलता में स्थापित हो जाए, फिर उसको हम स्वयं में एज ए प्योर ऑब्जर्वर देख पाए और फिर उसको हम जी पाए, यही कुल करने का काम है। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। एक कल इंसिडेंट हुआ हमारे रिलेटिव के साथ, तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ। वो ऐसे इंसिडेंट में कैसे सुख पाना है ये थोड़ा क्लियर कीजिए। तो ये सुख कैसा स्टेबल रहेंगे और सुख पाएंगे? तो हमारे एक रिलेटिव है, ब्रदर इन लॉ, वो सीमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर है। तो वो जब इंस्पेक्शन कर रहे थे रात को 12 बजे, तो रोपवे की जो बकेट रहे थे वो उनके हाथ को लगे हुए, हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो सीवियर डैमेज हो गया। तो उनको रात को एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। अभी भी वो थोड़ा अनकॉन्शियस है, अभी कॉन्शियस आ गए। तो अभी ये घटना हो गई, तो इसको अपन कैसा देखे और ऐसे में कैसा खुश स्टेबल रहे ये थोड़ा प्लीज बताइए। विद अपन ये ज्ञान होने के बाद कैसा अपन ये घटना को देखेंगे? जी देखिए, वो जो काम कर रहे थे उसमें इस तरह घटना की संभावना बनी हुई थी, ये उनको स्पष्ट है कि नहीं? हाँ, ऐसा अभी तक उनको 30 साल की सर्विस हो गई सर, अभी तक ऐसी घटना हुई नहीं। वो जो ड्राइवर रहता है वो रोपवे का, उसने रिवर्स में गियर डाल के वो रोपवे रिवर्स डायरेक्ट। 30 साल में नहीं हुआ, बट ऐसी घटना तो हो ही सकती है। हाँ, और ऐसी घटना की सूचना आती भी रहती है। ऐसी घटनाओं के होने का नियम हमें स्पष्ट हो सकता है। जैसे देखिए, तो हम लोग ड्राइविंग करते हैं रोड पे, ठीक yes. रोज ड्राइविंग कर रहे हैं, 30 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, बट एक्सीडेंट की सूचना आती रहती है। एक्सीडेंट क्यों, कैसे होता है, इसकी सूचना हमारे पास रहती है। तो अगर कोई हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाए तो उनको पता रहता है कि है निश्चित नियम के आधार पर होगा, ठीक। और घटनाओं में बहुत सारी चीजों का योगदान है, मेरा ड्राइविंग स्किल, अगले का ड्राइविंग स्किल, उस समय मेरे कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, अगले कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, और मेरे साथ चलने वाले 100 लोग हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई साथ में है ना, सड़क भी है, मौसम भी है, बारिश हो गई है, सड़क में गड्ढा है, नहीं दिख रहा है, वैसे तो है ना पूरा। अगर हमको नियम स्पष्ट हो तो ये सारी घटनाओं की हमको संभावना दिखाई देती है कि हो सकती है, ये हमें भी दिखाई दे सकता है, हमारे संबंधी को भी दिखाई दे सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, जो डैमेज हुआ है शरीर में हुआ है, मुझ में नहीं हुआ है। शरीर तो एक साधन मात्र है और इसमें डैमेज तो रोज हो रहा है, कभी छोटा हो रहा है, बड़ा हो जाता है, तो रोज कोशिकाएं मर रही है हमारे शरीर में, बराबर नहीं? हाँ। रोज नई कोशिकाएं जन्म भी ले रही है। भाई एक मेजर कोई घटना हो जाती है तो ज्यादा मात्रा में कोशिकाओं का एक तरह से टूटना जुड़ना कुछ हो गया, जिसके कारण शरीर में एक प्रकार की व्याधि हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई, तो हमें शरीर की व्यवस्था भी समझ में आती है। और जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसके साथ हमको संबंध भी दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति है, उसकी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके अनुसार निर्णय लेगा। अगर होश में काम करेगा तो एक तरह का निर्णय लेगा, बेहोशी में करेगा दूसरे तरह का निर्णय लेगा। वो ड्रंक किया था सर, वो ड्राइवर जो रोपवे का था उसने जो ये किया, तो उसमें उसके कारण उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। वही तो, अगर मेरा ड्राइवर ड्रिंकिंग करके ड्राइव कर रहा है तो हमको पता है ये गलती कर सकता है, ये तो हमारे फिर सजगता की बात है, ये हमने या तो उसको ड्रिंकिंग के लिए अलाउ क्यों किया, और यदि ड्रिंकिंग किया तो उसके साथ बैठे क्यों हम कि नहीं। अब अगर वहाँ प्रचलन में है कि लोग ड्रिंकिंग करते ही है ड्राइव करते समय, घटनाएं और हो सकती हैं, तो छोटी घटना हुई और बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, तो हमें उस व्यक्ति के साथ संबंध भी स्पष्ट होता है, शरीर के साथ अपना सहस्तित्व भी स्पष्ट होता है,
प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का नियम भी स्पष्ट होता है। फिर जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, सिस्टम का पूरा जो डिजाइन है, कितना हमने पूरे सिस्टम के डिजाइन में, जिस व्यवसाय में हम है ना, आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें हैं वो हमको पता है कि यहाँ पे चूक हो सकती है, बट हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि बिजली का नेकेड वायर है, हमको रोज दिखाई दे रहा है, किसी को करंट नहीं लग रहा था, इग्नोर करके चल रहे हैं। अभी उसी पे कोई बारिश हो जाए, करंट फैल जाए, पानी है ना में करंट आ जाए, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो सिस्टम में काम करते हुए भी हम बहुत सारी चीज इग्नोर करके चल रहे होते हैं, इसमें ऐसी संभावनाएं बनी रहती है। दिल्ली में घटना हुई कि एक महिला बारिश से बचने के लिए सड़क के किनारे से निकल रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा सा खंबा था उसका सपोर्ट लिया, और खंबे में करंट था, करंट लगा, नहीं बचा शरीर। तो ये पहले से हमको दिखाई देता है कि अगर हम जिस तरह से गैर जिम्मेदारी से जी रहे हैं और सिस्टम को जिस तरह से हमने बना लिया है, उसमें ऐसी घटनाएं हो ही सकती हैं। सारी बातें हमें स्पष्ट होती हैं, तो हम आराम में रहते हैं, फिर हम परेशान नहीं होते। हाँ, इसके साथ मुझे क्या करना है आगे, उसको हम देख पाते हैं। बराबर जी, थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। एक तो भैया ठीक है, अभ्यास इसमें अभी हम कर नहीं पा रहे हैं पूरा, मैं और ये शरीर वाला, तो ये तो करेंगे, कंटिन्यू रहेगा आप जैसे कह रहे हो। एक भैया मेरे ये व्यक्तिगत ये थोड़ी समस्या आ रही है पिछले दिनों से, कि मैं सुबह उठते ना अपने खेत में आ जाता हूँ, घर के पास ही खेत है, तो अभी ये सावन भादों में सांप दिख जाते हैं, सांप, तो अब सावधानी भी बरतते हैं भाई, सांप के ऊपर पैर ना रखा जाए, तो बाई चांस कई बार इधर उधर मुंह होता है, और जैसे परसों तो वो बिल्कुल ही खड़ा हो गया, तो कैसे मतलब वो सांप जगह छोड़ सकता है, या मेरे को सावधानी तो रखनी है, लेकिन बाई चांस ये तो एक दो सेकंड का ही खेल है, इधर उधर हुआ ध्यान, तो अगर उस पर पैर रखा गया तो नुकसान हो सकता है, तो इस बारे में कुछ सलाह दोगे भैया कि इसको कैसे करें? देखिए, इसमें एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सांप क्या होता है उसको समझा जाए। पदार्थ अवस्था में रखेंगे, प्राण अवस्था में रखेंगे, जीव अवस्था में रखेंगे, ज्ञान अवस्था में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? जीव अवस्था में। उसको और समय से देख ले, है ना, कि जनरली जो बहुत सारी प्रजातियां हैं सांप की, वो तो प्राणावस्था में है, उसमें मैं नहीं होता, तो प्राणावस्था की इकाई है ज्यादातर। कुछ ऐसी प्रजाति हो सकती है जिसमें सेल्फ भी साथ में जुड़ा हो, एक अलग बात है। तो एक तो मुझे समझ में आया कि प्राणावस्था की इकाई है, ठीक है, और उसका जो भी निर्वाह हो रहा है उसका एक निश्चित विधि है। तो जब भी हम को सामने कोई सांप दिखाई दे, तो हमको उसका एक निश्चित भागीदारी दिखाई देती है कि भागीदारी क्या है। अगर हम वहां पर कोई अपनी मान्यता जोड़ लें, तो हमारे अंदर फिर समाधान नहीं होता कि क्या करना है सांप का। तो उसमें विष है, वो विष अगर हमारे शरीर में गया तो हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, बीमार हो सकता है, सारी संभावना है। उसको ध्यान में रखकर फिर हम कोई योजना कार्यक्रम बना लेंगे कि भाई जब भी जा रहे से लोग आमतौर पर क्या करते हैं, चलते हैं सुबह सुबह, अंधेरा होता है या रात को भी, तो थोड़ा हरकत करते हुए चलते हैं, धरती पे चोट करते हुए चलते हैं, ताकि कंपन पैदा होता रहे। कई बार आप ये भी पाएंगे कि जो सामान्य रास्ता हमारा चलने का, उधर सांप नहीं आते, उसको अवॉइड करते हैं और बाकी जगहों पर दिखाई देंगे, तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ पे, मतलब उन्हीं निश्चित रास्तों से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे, वो जंगल झाड़ से नहीं जाएंगे। तो हम अपनी भागीदारी भी तय कर सकते हैं। तो एक तो इकाई को स्वयं में क्या है वो समझना, दूसरा इकाई के साथ भागीदारी क्या वो समझना। तो चाहे मानव हो, पेड़ पौधे हो, है ना, कोई पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, इन सबके साथ हमारी एक निश्चित भागीदारी है, वो हमको दिखाई दी जाता है, तो उसके साथ हम फिर योजना कार्यक्रम बना सकते हैं जिनके साथ कैसे निर्वाह करना है। धन्यवाद भैया जी। नमस्ते। इननेटनेस का मीनिंग एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। इननेटनेस मतलब स्वयं में व्यवस्था। जैसे आपका इननेटनेस क्या है जी? तो इननेटनेस का जो आपके होने के साथ निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, उसी को धर्म भी कहा, उसी को धारणा भी कहा। तो आप एक चैतन्य इकाई है, बनी रहेंगे,
या तो जीने की आशा वो बनी रहेगी। उसमें सुख की आशा नहीं है, सिर्फ जीने की आशा है। आपके अंदर निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा है। शरीर है, प्राणावस्था की इकाई है, उसका अपना एक निश्चित इनेटनेस है। तो उसमें अगर हम देखें तो उसकी एक निश्चित व्यवस्था है, अस्तित्व बना हुआ है उसका। हर परमाणु जिससे मिलकर ये शरीर बना है वो बना ही रहेगा। और साथ में ही शरीर में देखें तो पुष्टि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो शरीर का इनेटनेस है। तो इनेटनेस का मतलब जो इनेट है, हिंदी में कहें उसको धर्म जो शब्द दिया, तो जो जिस इकाई के होने मात्र के साथ अनिवार्य रूप से बना ही हुआ है उसको धर्म का। क्या बना हुआ है? उसकी स्वयं व्यवस्था बनी हुई है, इसका हमें बोध होता है। धन्यवाद। तो अगर हम अपने भागीदारी को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसको पूरा कर पाते हैं, हमारे में चिंतन, बोध, अनुभव, क्रिया जागृत हो पाती है, तो हमारे में जो स्थिति बनती है वो सुख, शांति, संतोष, आनंद की बनती है। और इसको थोड़ा सा जोड़ लें तो परमानंद की बनती है। तो जिस क्षण मुझे अस्तित्व पूरा अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है, उस दिखने के साथ जो मेरी स्वयं स्थिति बनती है उसको परमानंद कहा। अब इससे आगे कुछ बचा नहीं, परम है ये, संपूर्ण है, इससे अधिक कुछ है नहीं। तो मैंने पूरे अस्तित्व को ही देख लिया अस्तित्व के रूप में, शून्य जो हर जगह फैला हुआ है, व्याप्त है, उसमें प्रकृति की सारी इकाइयां बनी हुई हैं। इन्हीं इकाइयों के समूह के रूप में कई ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सौर मंडल है, ग्रह नक्षत्र हैं, ये सब इसी शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, और ये हमेशा से बना हुआ है, हमेशा बना रहेगा। उसकी जो हमारे अंदर तृप्ति होती है, जिससे जो हमारे अंदर स्थिति बनती है, उसको परमानंद कहा। स्थिति में मैं पहुंचा तो मुझे प्रकृति की व्यवस्था, जिसको मैं बारी बारी से देखने समझने का प्रयास कर रहा था, उसका बोध सुनिश्चित कर रहा था, और उसमें पूर्णता हो गई, उसका आधार दिख गया। पहले व्यवस्था तो दिख रही थी, आधार नहीं दिख रहा था। कैसे ये प्रकृति इतनी व्यवस्थित है, कैसे पेड़ पौधे इतने व्यवस्थित हैं, कैसे मानव में सहज स्वीकृति बनी ही रहती है, सुखपूर्वक जीने की आशा बनी ही रहती है, सुखपूर्वक जीने की क्षमता बनी ही रहती है, कैसे ये पशु पक्षी एक निश्चित व्यवस्था में बने हुए हैं, मिट्टी, हवा, पानी कैसे बने हुए हैं, अब इनका आधार नहीं दिख रहा था। इस अस्तित्व के अनुभव के साथ, सहस्तित्व के अनुभव के साथ वो सारा स्पष्ट हो गया। तो जो स्थिति बनी मेरे अंदर कि अब बोध की पूर्णता हो गई, उसको आनंद का। तो अनुभव के आधार पर बोध में जो पूर्णता हुई उसको आनंद का। उसके बाद मेरी इच्छाएं निश्चित हो गई, अब चिंतन में सारे भाव स्पष्ट हो गए। तो जैसे जैसे मुझे भाव स्पष्ट हो रहे थे, उनका संतोष सुनिश्चित हो रहा था। ये भाव सारे स्पष्ट हो गए, उनका आधार स्पष्ट हो गया, तो मेरे ना संतोष की निरंतरता हो गई। उसके आधार पर विचारों में न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि जागृत हो गई। अब जो भी मैं विचार करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, न्याय के अर्थ में करता हूँ, धर्म के अर्थ में करता हूँ, व्यवस्था के अर्थ में करता हूँ, संस्कृति के अर्थ में करता हूँ, ये जो उलझन थी, भगदड़ थी, है ना, ये सब चला गया, शांति हो गई, स्वयं में शांति सुनिश्चित हुई। इसके अलावा मेरे सुख की निरंतरता हो गई। तो ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ऐसी स्थिति बनती है, परमानंद, परमानंद के साथ आनंद की निरंतरता, आनंद की निरंतरता के साथ संतोष की निरंतरता, संतोष की निरंतरता के साथ शांति की निरंतरता, शांति की निरंतरता के साथ सुख की निरंतरता। तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी पूर्णता में जागृत होकर जब देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई देता है। उससे पहले अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सामयिक रूप से सुख, सामयिक रूप से शांति, जितना भाव स्पष्ट हुआ उतने का संतोष, जितनी व्यवस्था स्पष्ट हुई उतने का आनंद, ऐसे चल रहा है। तो हम अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसको करते हुए हमको दिखाई देता है कि एक तो स्वयं में ऊपर गति करने के लिए परस्परता में फैल कर
संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक संस्कृति पूर्वक जीना जरूरी है। ये जीने वाला भाग जो है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। मैं अपना दिनचर्या कैसे तय करता हूँ, मैं अपने शरीर के लिए कैसी योजनाएं बनाता हूँ, सुविधा को उपार्जन में कैसे करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुविधा को उपार्जन तो अमानवीय तरीके से करता हूँ, ठग रहा हूँ लोगों को और मैं सोचूं कि मेरे में अनुभव हो जाए, ऐसा होगा नहीं। इनफैक्ट जितना जितना हम स्वयं में ध्यान देना शुरू करते हैं तो अपने द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो भी चूक हो रही है उन सबको स्वीकारना बनता है, उस पर काम करना बनता है। जो भी मान्यताएं हमारे अंदर बनी हुई है उन सबको स्वीकारना बनता है। आमतौर पर जब संवाद कर रहे होते हैं तो हम इनको अवॉइड कर रहे होते हैं, प्रतिकार कर रहे होते हैं, मना कर रहे हैं, कई बार जो है नहीं वो बोल रहे होते हैं, जो है उसको बोल नहीं रहे होते हैं, तो बहुत सारा कुछ अभी हम परस्परता में कर रहे होते हैं। परंतु जब हम निष्ठापूर्वक सत्य के ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, न्याय के ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, तो उतनी ही निष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के साथ परस्परता में जीना भी बनता है। ये जीने वाले भाग को इग्नोर करके ज्ञान में गति नहीं हो सकती। ये बात अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि जीने वाले भाग में अगर हमारी निष्ठा नहीं है, जीने वाले भाग में स्पष्टता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं स्वीकार रहे, भागीदारी नहीं कर रहे, तो ऊपर गति होगी ही नहीं। फिर कहीं विचार में ही रुक जाएंगे, है ना। और ऊपर गति करते हैं तो सहज रूप से फैलते हैं। जीने में हमारी ये सब जिम्मेदारी, भागीदारी, निष्ठा, ईमानदारी, है ना, ये सब धीरे धीरे सुनिश्चित होने लगता है, धीरे कहीं अक्रमश होने ही लगता है। एक छोर पर स्वयं में अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पर हम फैलकर मानवीय परंपरा के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों छोर हमें दिखाई दे तो जीने के केंद्र में जो ज्ञान है उसी ज्ञान का प्रमाण भी जुड़ा हुआ है। तो जितना जितना केंद्र में ज्ञान सुनिश्चित होता है उतना हमारे आचरण में प्रमाण सुनिश्चित होता है। उससे हमारे अंदर ये स्थितियां बनती जाती हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद। आप पाएंगे कि जितना जितना आप इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में लगे उतना उतना सुविधाओं को लेकर आपकी इच्छा निश्चित होती चली गई है। ये जो पहले सुविधाओं को के प्रति आकर्षण था, अधिक से अधिक सुविधा को संग्रह करने का भाव था, उसको भोगने का भाव था, उसे निकल पा रहे हैं। तो आप पाएंगे आपका स्वयं में संतोष बनने लगा है। कई बार फीडबैक भी आते हैं, लोग कहते हैं कि है ना क्या हो गया इनको, अभी पहले की तरह नहीं रहे, पहले सुविधाओं को लेकर जो जिस तरह से बातें करते थे वो बातें नहीं करते। तो संतोष की स्थिति हमारे अंदर बनती जाती है, विचार में शांति आती जाती है। पहले एक एक व्यक्ति के प्रति विरोध पालकर अपने आप में ही ना कितना दुखी परेशान हुआ करते थे, अकेले अपने साथ रहना कितना मुश्किल काम होता था, अब वहां पर शांति दिखाई दे रही है संबंध को लेकर, सुविधा को लेकर। अभी है ना ऑफिस में आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपको लगता है कि बड़े अच्छा हुआ, कोई साथी आके बताया उसका डबल इंक्रीमेंट हो गया, लगता है बुरा हो गया, उसका डबल इंक्रीमेंट हुआ, मेरा सिंगल इंक्रीमेंट क्यों हुआ। और ये भगदड़ बनी ही रहती है जब तक कि हमको सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट न हो जाए। एक बार स्पष्ट हो जाए तो हमको लगता है इंक्रीमेंट हो गया, उसका करना क्या है, मेरी आवश्यकता तो पहले से ही पूरी हो रही थी, तो क्यों ना इसको समाज की व्यवस्था में लगाया जाए, क्यों ना इसे उभय सुख उभय समृद्धि के लिए लगाया जाए। अगर ये ना हो तो हमारे अंदर ही विचार चलता रहता है। ये सब कुछ लिटमस टेस्ट है अपने लिए, कुछ मतलब टेस्ट है अपने लिए। हम देखें कि हमारे अंदर कितनी बार ये भाव विचार आता है कि काश मेरी सैलरी और अधिक होती, कितनी बार ये भाव विचार आता है कि काश मेरा शरीर का रूप इससे बेहतर होता, कितने बार ये भाव विचार आता है कि काश कुछ और अनुकूल संवेदना मिल जाती, कितनी बार ये भाव विचार होता है कि काश ये व्यक्ति हमारे जीने में नहीं होता। तो ये सब चीजों को भी हमको अपने आप में जांच कर देखने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यानी हमारे अंदर अभी भी मान्यताओं में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सुविधा की आवश्यकता या तो स्पष्ट नहीं है, शरीर की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है, संवेदना से सुख पाने की आशा लगी हुई है, दूसरे से भाव पाकर सुखी होने की आशा लगी हुई है। तो भागीदारी में भी मुख्य मुद्दा भाव को देखने का है। जो भागीदारी कर भी रहे हैं उसमें हमारा भाव किस प्रकार से है ना। तो जितना जितना इस वाले भाव को सुनिश्चित करेंगे तो भाव के साथ हम भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं कि सिंपली भागीदारी कर रहे हैं और भाव सुनिश्चित नहीं हो रहा, फिर वो भगदड़ हो जाएगा।
10 काम कर रहे हैं, एक काम भी सुखपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अपने भाव को देखते हुए भागीदारी करनी है, और जब भाव को देखते हुए भागीदारी करते हैं तो दिखता है कि सारा काम मुझे ही करना, ऐसा नहीं है। अगला संबंधी है, वो भी समझदार जिम्मेदार हो सकता है, तो धीरे धीरे वो भागीदारी में भी एक टीम डेवलप होने लगता है, टीम वर्क चलने लगता है कि नहीं, और टीम बड़ी होती जाती है। जहां दो लोगों के लिए साथ साथ काम करना मुश्किल दिखाई देता है, वहां कई लोग साथ जुड़ के काम कर पाते हैं, क्योंकि केंद्र में मेरा अपना प्लेसमेंट नहीं है, केंद्र में मुझे सबसे ऊपर अपने आप को नहीं रखना है। केंद्र में तो यह है कि मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होना है, उसका आचरण में प्रमाण सुनिश्चित होना है। नहीं, तो स्वयं में हम एक छोर पे ज्ञान की पूर्णता के लिए, अनुभव के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे छोर पे हम फैलते हुए अपने भाव को सही सुनिश्चित करते हुए संबंध में, व्यवस्था में फैलते जा रहे हैं। और आप देखें कल्पनाशीलता में इससे अधिक विकास क्या होगा, यही विकास है या कुछ और विकास है? जहां एक मकान की जरूरत थी, हमने 1000 मकान खरीद के रख लिए हैं अपने नाम, इसमें क्या विकास किया हमने? पूरे समय शंका, भय, विरोध, द्वेष, प्रतिशोध से भरे हुए हैं। हमने लाखों लोगों पर शासन कर लिया ना, उन पे दमन कर दिया, इसमें क्या विकास कर लिया हमने? हमने प्रकृति को छीन कर दिया, छत विछत कर दिया, इसमें क्या विकास कर लिया हमने? विकास तो तभी है जब स्वयं में ज्ञान को सुनिश्चित किया, आचरण में इस प्रमाण को सुनिश्चित किया, और यही मेरी भागीदारी है कि नहीं जी? जी भैया, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, जब ये समझ में आता है कि काम मुझ में होना है और मेरे अंदर जो अभ्यास बने हैं और उनको हम अभ्यास जो बने हैं उनको जब हम देख पाते हैं, तो फिर उसके लिए एक संकल्प की आवश्यकता होती है कि मैं जो है शिफ्ट करूं। अभी जिस प्रकार से हम शरीर, संवेदना और सुविधा को आधार मान के जी रहे थे, तो वो जैसे ही शिफ्ट होता है तो अपने में बड़ा एक हल्कापन सा जो है वो महसूस होता है, और भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, प्रकृति की व्यवस्था को भी हम फैल के देख पाते हैं, संबंधों को भी हम भाव के आधार पर देख पाते हैं, और संस्कारों में जो है वो परिमार्जन कर पाते हैं, और जो जो अभी ये विपन्नता दिखती है, जो एक असंतोष दिखता है बाहर के लिए, बाहर कुछ मिल जाएगा, ये सब जो है धीरे धीरे शिफ्ट होता है और स्वयं से संवाद की प्रक्रिया बढ़ती है, ऐसा मैं अपने में भी देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से अपनी भागीदारी को पूरा करने से हमारे अंदर निरंतर सुख की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो सहस्तित्व का दिखना है ना, वो हमारे में ठीक ठीक सुनिश्चित हो पाता है। सहस्तित्व किस प्रकार हमें दिखाई देता है वो अगले दो स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे जी। तो पूरे अस्तित्व को एक नजर में देखो, कैसा दिखाई देता है? इससे कई बार बात हुई, मुझे लगता है सारे शब्द आपको स्पष्ट होंगे। तो शब्द इसमें ऐसा है स्लाइड में जो हमें स्पष्ट ना हो, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो शून्य है, इकाइयां हैं, इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। इन जड़ और चैतन्य इकाइयों के अस्तित्व से चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु परमाणु मिलकर बने अणु, अणुओं से बनी अणुरचनाएं। अणुरचनाएं दो प्रकार से, रस और पिंड। रस की एक संरचना तैयार हुई तो उससे कोशिकाएं बन गई, कोशाएं बन गई। उन्हीं के एक प्रकार की रचना बनी तो पेड़ पौधे बने, दूसरे प्रकार की रचना बनी तो जीव शरीर बना, तीसरे प्रकार की रचना बनी तो मानव शरीर बना। तो जो जीव शरीर है चैतन्य इकाई के सहस्तित्व में हुआ तो जीवावस्था, ये जो मानव शरीर है चैतन्य इकाई के सहस्तित्व में हुआ तो ज्ञानावस्था। इसी ज्ञानावस्था में ज्ञान की पूर्णता हो जाए, अनुभव तक पहुंच जाए, इसका क्रिया पूर्णता, और जीने में सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा में निश्चित भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उसको कहा आचरण पूर्णता, और यही मेरा विकास। इधर देखें तो जड़ इकाइयों में तो चक्रियता लगी रहती है, तो जड़ इकाई को लेकर जितना भी कुछ कर लें उससे मेरा न विकास होने वाला है, न समाज का विकास होने वाला है। ये सहायक भी हो सकते हैं, बाधक भी हो सकते हैं। अभी हम जितना कुछ कर रहे हैं उससे मानव के विकास में सहायता भी हो सकती है, बाधा भी उत्पन्न हो सकती है।
कि नहीं। तो मेरा विकास यही है कि मेरे में जो अनुभव का आयाम है उसमें क्रिया पूर्णता हो जाए, जीने में आचरण पूर्णता हो जाए, तो मेरी सारी क्रियाएं जागृत हो जाए और आचरण में मेरी भागीदारी सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जाए। यही मेरा विकास है, पूरी प्रकृति में मेरा ही विकास होना है, चैतन्य का विकास होना है, जड़ में तो चक्रियता है। ये बात स्पष्ट रहती है। तो जब भी हम जड़ के बारे में कोई विचार कर रहे होते हैं हमको निश्चित भागीदारी दिखाई देती है। अभी आप देखिए लोग मकान बनाते हैं, है ना, मकान को कितना सारा उसमें कल्पनाशीलता लगाते हैं, उसको अच्छे से अच्छा आकर्षक से आकर्षक बनाने के लिए उसमें कितनी सारी सुविधाएं लगाते हैं, बट हम इस बात पे विचार नहीं कर पाते हैं कि इन सुविधाओं को ही केंद्र में रखकर अगर हम मकान में रहने जा रहे साथ साथ तो साथ साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, सुखपूर्वक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अभी इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी धरती पे चल रहा है, बट हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के साथ वहां जो हमारा रहना है वो सुखपूर्वक होगा कि नहीं होगा। तो जड़ को लेकर तो हम बहुत सारा विचार कर रहे हैं, बट उन जड़ इकाइयों के बीच में चेतन इकाई रहने वाली है उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मकान को आकर्षक से आकर्षक बना ले, सुंदर से सुंदर बना ले, महंगा से महंगा खरीद ले, बढ़िया से बढ़िया सजावट कर दे, बट अल्टीमेटली उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख तो जो संबंध में भाव है उससे मिलेगा, जो स्वयं में समाधान है ज्ञान है उससे मिलेगा। और अगर इस पे फोकस हो जाए फिर जब मकान का ही विचार करेंगे तो उसे एक निश्चित दिखाई देता है, ठीक है शरीर के संरक्षण के लिए है, थोड़ा ऐसा हो जाए थोड़ा वैसा हो जाए एक ही बात है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। कपड़ा है हाँ भाई ठीक है, थोड़ा ऐसा हो जाए थोड़ा वैसा हो जाए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जो गौण है वो गौण दिखाई देता है, अन्यथा हम उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं। गाड़ी है वैसे ही है ना, एक एक गाड़ी को लेने के लिए परसों लोग विचार कर रहे हैं, बजट कितना है ना, कौन सा नया मॉडल आ रहा है, कौन से नए फीचर्स आ रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ के पहुंचना कहाँ है ये पता ही नहीं है कि नहीं। तो गाड़ी में बैठ के कहाँ पहुंचना है ये तो पहले तय हो जाए, फिर गाड़ी के फीचर्स बजट प्राइस देख ले। और अभी ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोग बजट के हिसाब से गाड़ियां खरीद रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से नहीं। और सैलरी बढ़ गई और बड़ी गाड़ी आ गई, और सैलरी बढ़ गई और बड़ी गाड़ी आ गई है ना, ठीक तो नए फीचर्स ले आए, गाड़ी में बैठ के कहाँ पहुंच रहे पता नहीं कि नहीं। ये सब तो ध्यान देने के मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देंगे जी। स्मार्टफोन में भी ऐसा हो सकता है, उस फोन से हम क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये तो पता नहीं, बट महंगे से महंगा फोन ले रहे हैं, सारी सुविधाओं के बारे में। तो देखें तो हम जो जरा सा होश हो जाए कि ये केंद्र में है, ये हमारी उपलब्धि है, यही हमारा लक्ष्य है, तब तो इसके लिए ठीक से काम कर पाएंगे, ये ब्लॉक B1 जागृत हो जाए, अन्यथा उलझे रहेंगे अनावश्यक चीजों में। और यदि ये केंद्र में आ जाए तो बाकी जो सीमित है पहले से ही उसकी सीमा स्पष्ट होती है, जो सामयिक है उसकी सामयिकता स्पष्ट होती है, सुविधा सीमित है सामयिक है, शरीर सीमित है सामयिक है, जो ज्ञान है वो निरंतर बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि मानव की जो भागीदारी है वो अस्तित्व को समझना, अस्तित्व पूर्वक जीना है, और उसी को और विस्तार से कहें तो संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, अस्तित्व का अनुभव हो जाए, और अस्तित्व के साथ व्यवस्था के साथ बोध हमारा जीना हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम पूरा कैसे करेंगे। तो एक तो विधि ये है कि जो हमने अभ्यास 1 और 2 में किया और अभ्यास 3 में भी कर सकते हैं, उनसे हम एक शुद्ध दृष्टा के रूप में स्थापित होते हुए इसको पूरा करें। तो इसमें हम ऑलरेडी अभ्यास 1 और 2 पे काम कर ही रहे हैं और अभ्यास 3 के लिए हम लोग एक तरह से ग्राउंड भी तैयार कर रहे हैं। अभ्यास 2 के आखिरी स्टेप को देखें तो हम लोगों ने ये ध्यान देना शुरू भी किया शून्य पे। अभी से हम देख सकते हैं कि इससे क्या हमारी भागीदारी सुनिश्चित होती है, क्या इससे निरंतर सुख पूर्वक जीना हो पाता है, जो हमारी बेसिक एस्पिरेशन है, बेसिक डिजायर है। तो रिफ्लेक्शन के रूप में देखें तो असाइनमेंट के रूप में इतना रहेगा कि अभ्यास 1 में जो स्टेप 6A में हमने किया, 6B में किया और 7 में किया, उसको स्वयं में पूरा करना है। तो अपने आप से बार बार पूछना है कि सहज रूप से क्या स्वीकार होता है,
संबंध का भाव, विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सह अस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव, और इसको एक एक फीलिंग से शुरू करें, विश्वास था या अविश्वास था। विश्वास में भी बहुत हड़बड़ी ना करें, उसमें अपने आप से पूछें, दूसरे को मैं सुखी करना चाहता हूँ दुखी करना चाहता हूँ, मेरी सह स्वीकृति क्या है, फिर दिखेगा कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। इसमें मूल मुद्दा तो ये है कि मुझे दिख जाए कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। वैसे ही मैं शरीर का पोषण करना चाहता हूँ, दोहन करना चाहता हूँ, शोषण करना चाहता हूँ, प्रकृति के बारे में क्या चाहता हूँ, अपने आप से पूछे उसका उत्तर मिलेगा। स्टेप 6 बी में कह रहे हैं कि अगर हमें संबंध का भाव स्वीकार होता है, व्यवस्था का भाव स्वीकार होता है, सत्यत्व का भाव स्वीकार, इसके ज्ञान को स्वयं सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो अगर UHV3 का मेजर कंटेंट देखें, इससे जुड़ा हुआ ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे सुनिश्चित हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। स्टेप 7 में कह रहे हैं कि जो भी हमें फीलिंग सहज रूप से स्वीकार होती है, उसको मैं हर क्षण अपने आप में सुनिश्चित करूं, मैं देखूं कि इस क्षण मेरे में संबंध का भाव है कि नहीं, व्यवस्था का भाव है कि नहीं, सहस्तित्व का भाव है कि नहीं, और ये भी देखें कि कैसी कॉन्टिन्यूटी हो पा रही है, कैसी निरंतरता बन पा रही है, कि हर क्षण ऐसा हो पा रहा है, यही कुल करने का काम। इसको हम अपने जीने के केंद्र में ले आए ज्ञान को, जितना इतना केंद्र स्पष्ट होगा, जितना इतना केंद्र में ये सुनिश्चित होगा, उतना उतना इसके जो भी फैलाव में हम कर रहे हैं उसका जो निग्रह बिंदु है, उसका जो सार है ना, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि उपलब्धि क्या कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।